हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता आडो क्लासेस। गाइस, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग ए न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फ्रॉम ए स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड इसकी स्टार्टिंग डेट 22 जून है एंड लास्ट डेट 12 जुलाई है। 12 जुलाई को अप टू 5 PM आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम 23 जुलाई को होंगे एंड एडमिट कार्ड आपको 1 वीक पहले मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी एडमिशन होने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। इस इन्फॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको इमीडिएट देख पाएँ, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना करें। इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी, नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल से कर सकते हैं। और अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ये यूनिवर्सिटी है आपकी कुमाऊँ यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है। ये इसकी प्रॉस्पेक्टस है। गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 22 जून से एंड लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई है अप टू 5 PM। एडमिट कार्ड आपको 1 वीक पहले मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम इसमें 23 जुलाई को है एंड एग्ज़ाम जो है आपका वो 2 आवर्स के होंगे एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंटर ये एडमिट कार्ड में उस टाइम ही आपको पता चलेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 2150 रुपीज़ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी हुई है, इसको रीड करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एटलीस्ट 55% मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही वे स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के, वो भी यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि काउंसलिंग से पहले उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कम्प्लीट हो जाने चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर या सेमेस्टर of the qualifying examination post graduate are permitted to fill the online application form with the condition that they must have completed their qualifying examination that is post graduate before the counseling process. Guys, agar aapki 1 year ki ya 2 semester ki master degree hai to uske pehle aapki 4 year ya 8 semester ki bachelor degree honi chahiye, ya agar aapki 2 years की या 4 semester की master degree है तो उससे पहले आपकी 3 years की bachelor degree होनी चाहिए एंड मास्टर डिग्री की क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 55% होनी चाहिए एंड 5% की रिलैक्सेशन है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेवल डिफरेंट एबल्ड एंड EWS स्टूडेंट को एंड वे स्टूडेंट जो कि 4 इयर्स या 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री लिए हुए हैं और उसमें उन्हें एटलीस्ट 55% मार्क्स है तो वो भी यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वे स्टूडेंट जो कि एमफिल किए हुए हैं उसको एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एंड अगर वो SC ST OBC डिफरेंट एबल्ड या EWS सेक्शन के हैं तो उसको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो गाइज, इस तरह की कंडीशन है अप्लाई करने के लिए। प्रोसीड्योर फॉर एडमिशन, एडमिशन के 2 प्रोसीड्योर हैं। फर्स्ट तो ये जो कि रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट देके जाएंगे एंड सेकेंड वे जो डायरेक्ट एडमिशन होंगे जो कि रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। एग्जाम आपके 2 आवर्स के होंगे जिसमें कि 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपकी रिसर्च मेथोलॉजी की रहेगी एंड 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न के रहेंगे। 2 घंटे के एग्जाम होंगे और सारे क्वेश्चन आपके MCQ होंगे और इसमें देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, कोई ब्रेक नहीं रहेगा।
डायरेक्ट एडमिशन किसके होंगे, कौन कौन एग्जेम्प्टेड रहेंगे ये देख लें। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द नेट विथ JRF या RG NF या NFSC NFOBC NFST एनी इक्विवेलेंट फेलोशिप। कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड द इंस्पायर फेलोशिप, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट या GATE विथ फेलोशिप या इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट में कंसिडर डायरेक्ट एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम विदाउट हैविंग टू अपियर फॉर द RDET। इन सबको डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे ये, इन्हें इंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। एंड इनकी वेटेज जो है वो 70% और 30% बनेगी। 70% वेटेज रहेगी नेट की एंड 30% वेटेज रहेगी इंटरव्यू। और जिनकी नेट नहीं है उनकी 70% वेटेज रहेगी देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्कोर एंड 30% फॉर इंटरव्यू, 30% ऑफ इंटरव्यू। एंड वे स्टूडेंट जो कि इंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे फिर भी वो इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही बनेगी, उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। गाइज इसके अलावा यहाँ पर टीचर कैटेगरी को भी रखा गया है। कैंडिडेट हु हैव बीन रेगुलरली अपॉइंटमेंट एज परमानेंट टीचर इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी कैंपस और इट एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट वे कैंडिडेट जो कि मिनिमम 1 ईयर के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी कैंपस या इनके एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हैं उन्हें भी PhD इंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रखा गया। और उनकी वेटेज जो है फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो पोस्ट ग्रेजुएट की उसकी 70% वेटेज रहेगी एंड इंटरव्यू की 30% रहेगी। यहाँ पर दो सेंटर रखे गए हैं, एक नैनीताल है एक हल्द्वानी है। डिपार्टमेंट को देख लें, बॉटनी में 8 सीट है, केमिस्ट्री में 20 सीट है, कॉमर्स में 16 है, कंप्यूटर साइंस में 2 सीट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3 सीट है, इकोनॉमिक्स के आपके 18 सीट है, एजुकेशन में 2 सीट है, इंग्लिश में 15 सीट है, ज्योग्राफी में 6 है, जियोलॉजी में 2 सीट है, हिंदी में 12 है, हिस्ट्री में 16 सीट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट है, मैथमेटिक्स में 14 है, म्यूजिक में 2 सीट है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 8 सीट है, फिजिक्स में 16 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट है, साइकोलॉजी में 2 सीट है, संस्कृत में 7 सीट है, सोशोलॉजी में आपके 11 सीट है, टूरिज्म में 2 सीट है, जूलॉजी में 12 सीट है, टोटल 203 सीट है। गाइस इस जगह दी हुई आप कैसे अप्लाई करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको रीड कर लेंगे। ओके गाइज, आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। यूनिवर्सिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लेंगे। एंड अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।